गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रही हूँ मेरी एरिया से डाल्टनगंज, क्योंकि मुझे करना था ब्राइडल मेकओवर, और जिसके लिए 4 घंटे का रास्ता है। तो मैं पहले निकल गई थी, अराउंड 9 के आसपास मैं निकली थी, 9:30 के आसपास में मैं पहुँच गई थी 1 बजे। तो यहाँ पर मैं ऑलमोस्ट पहुँच ही गई हूँ। बहुत बड़ा सा नदी था, बहुत पानी कम था, बट बहुत लंबा ब्रिज था ये, तो मैं इसे रिकॉर्ड कर रही थी। एंड हम वेन्यू में पहुँच गए इसके बाद। नहीं, काफी अच्छा है। हाँ, अच्छा है। हमको लगा डेकोर हो रहा है ना, तो यही होगा। यही सोना। सो ये रही हमारी ब्राइड, इनका मैंने मेकअप कर दिया है। हम वहाँ पे बहुत लेट हो चुके थे, क्योंकि मेरी जो ब्राइड थी ना, उनका कुंवारी पूजा एंड उनका नहाना, मतलब हल्दी जो हटता है ना, उसका नहाना एक होता है, तो वो करते इनको बहुत लेट हो गया। मुझे इनका मेकअप स्टार्ट करना था 1:30 के आसपास में, यानी 2 बजे के आसपास मुझे स्टार्ट करना था, बट हम बहुत लेट चल रहे थे। और मेकअप इनका स्टार्ट हुआ 4, यानी कि 4 बजे मैंने स्टार्ट किया मेकअप। और मुझे लगता है टाइम अच्छा खासा, यानी कि 4 to 5 आवर्स लगता है एक ब्राइड को कंप्लीट रेडी करने के लिए। और उस दिन बहुत लेट हो गया, और फिर वहाँ फिर मैंने 3 पार्टी मेकओवर्स भी किए, और मैं इतना थक चुकी थी। मुझे सेम डे रिटर्न होना था, बट पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि मुझे दुल्हन बहुत लेट मिली, क्योंकि मतलब 2-3 घंटा तो मेरा लेट कर चुकी थी, जिस वजह से मैं उस दिन सेम डे रिटर्न नहीं हो पाई। और जो ट्रैवलिंग रूट था हमारा, वो एक्चुअली में जंगल होके जाता है, तो रात में आने का रिस्क हम लोगों ने नहीं लिया। हम लोग वहीं पे स्टे हुए, और फैमिली काफ़ी हॉस्पिटेबल था, तो हमारा जो रहने का स्टे का अरेंजमेंट है वो लोगों ने करा दिया था, तो कोई ऐसा इश्यू नहीं आया। बट थोड़ा सा हरासमेंट हो गया था, क्योंकि आप 4 घंटे ट्रैवल करके जाओ और फिर से जागना पड़ जाए आपको रात तक, तो थोड़ा सा हो जाता है। एंड फिर नेक्स्ट डे हम लोग 6 बजे निकले थे। तो यहाँ पे हमारी ब्राइड का ना मैंने मेकअप कर दिया है, और यहाँ पे मैं इनका हेयर स्टाइल बना रही हूँ। तो बेसिकली जो होता है ना, तो मेरे साइड में जो चलता है उसमें बीच मांग करके, क्योंकि सिंदूर दान वाला सिस्टम होता है तो बीच मांग करना पड़ता है, तो उसके लिए भी मैं क्रिम्पिंग कर रही हूँ बाल को थोड़ा वॉल्यूम देने के लिए। एंड फिर बेसिक हेयर स्टाइल इनका अपना था, कुछ एडवांस हेयर स्टाइल नहीं था, जो बेसिक दुल्हन का लुक होता है वो था इनका। बाकी बेस इनका SD ब्राइडल मेकओवर मैंने किया था। और यहाँ पे आंटी हैं ये, आंटी से मिल करके मुझे को बहुत अच्छा लगा था, और उनकी बेटी खुशी, दोनों बहुत ही हॉस्पिटेबल थी। एंड अंकल आर्मी ऑफिसर हैं, तो काफ़ी अच्छा फैमिली है उनका भी। मैं कभी इनके यहाँ विजिट करूँगी तो आपको ज़रूर मिलाऊँगी उनसे। एंड यहाँ पे मुझे खुशी हेल्प कर रही है मांगटी का सेट करने के लिए, मेरी ब्राइड का। एंड यहाँ पे ऑलमोस्ट मेकअप हो चुका था, बस हेयर स्टाइलिंग बचा हुआ था, और बहुत रश आउट कर रही थी क्योंकि लेट हो चुका था। एंड बहुत ही पैनिक मोड पे मैं थी इस वक्त, और इनका हेयर स्टाइल बन गया था यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा, बस रोज़ थोड़ा सा कम हो गया था एंड गजरा। एंड आप ये फाइनल लुक देख सकते हो, बेसिक बीच मांग का, ठीक है, पार्टीशन है, और ये ऑलमोस्ट रेडी है, बस इनका अब दुपट्टा सेटिंग होगा। बाकी इनका लहंगा आप देख सकते हो, एंड पूरा जो मेकअप एंड हेयर है ना, वो ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। एंड यहाँ पे उनका फुल आप देख सकते हो लुक, आउटकम ये रहा। काफ़ी अच्छी लग रही थी एंड बहुत ही प्यारी लग रही थी। एंड इसके बाद फिर हम लोगों ने शादी इन्जॉय किया था, क्योंकि मैं रुक चुकी थी, तो मेरे का बहुत मन था कि मैं ऐसा ऑथेंटिक ना जयमाला टाइप शादीज़ वगैरह इन्जॉय करूँ। तो चलिए, आप इन्जॉय करते हैं हम शादी।